अगर आप लोग YouTube में ग्रो करना चाहते हो तो देखिए आज के इस वीडियो में दो तीन आइडिया आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आइडिया तो गाइज ये है कि आप लोग अपने डेड चैनल पर काम करना छोड़ दो। जी हाँ, अगर आपका चैनल पुराना हो चुका है, आप उसमें अच्छे से कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे थे, डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और बहुत टाइम के बाद आप लोग उस चैनल को चलाओगे तो आपका वहाँ पर व्यूज़ नहीं आने वाला। आप लोग कोई न्यू चैनल पर स्टार्ट करो वीडियो बनाना अच्छे से। ओके, तो ये था पहला टिप आप लोगों के लिए। अब मान लेते हैं आप लोगों ने न्यू चैनल भी ओपन कर लिया, तो आपका सबसे पहला मन में ये होगा कि आखिर किस तरीके से न्यू चैनल को ग्रो करूं, क्योंकि शुरू शुरू में सब्सक्राइबर और लोगों तक चैनल को पहुंचाना मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स को फिर से दूंगा जिससे आप लोग समझोगे। मैं आपको बता दूँ 2024 के टाइम पे यूट्यूब क्या कर रहा है, नए चैनल्स को काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, आई मीन इससे अच्छा सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना अभी यूट्यूब न्यू चैनल्स को दे रहा है। बहुत सारे YouTube रिकमेंडेशन से व्यूज़ आ रहे हैं न्यू चैनल्स को, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है एंड उसके बाद आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे। दूसरा टिप ये भी है कि आप लोग शॉर्ट्स भी बनाओ, वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी बनाओ, डेली का डेली बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो एंड आप देखना YouTube खुद रिकमेंड करेगा आपके चैनल को। शॉर्ट्स से काफ़ी रिकमेंडेशन आएंगे एंड जितने भी लोग शॉर्ट्स देखेंगे उसके बाद जो भी वीडियो आप लोग बनाओगे उसमें भी कंसिस्टेंसी रखो और आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आपको YouTube रिकमेंडेशन से व्यूज़ मिल रहे हैं। अब फाइनल टिप मैं आपको बताना चाहूँगा VidIQ के बारे में। VidIQ में बेसिकली क्या होता है, ये एक टूल है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे इस टूल का मैं कुछ कूपन कोड दूंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही सस्ते में VidIQ लेने का मौका मिलेगा और इसको यूज़ करने का मौका मिलेगा। वैसे ये जो VidIQ है ये बहुत ही काम का चीज़ है, यहाँ पे हम लोग डेली आइडियाज़ ले सकते हैं अपने चैनल वेस्ट, मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारे चैनल के जो आइडियाज़ हैं, मतलब कौन से वीडियोज़ पे हमें, कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है, वो हमें यहाँ पे शो होगा। जैसे जैसे चैनल आपका टाइम जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे और भी रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे गाइस इनका कीवर्ड वाला सेक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर भी VidIQ को यूज़ करते हैं और आपको राइजिंग कीवर्ड्स के बारे में भी पता चलेगा यहाँ पे कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको काफ़ी वॉल्यूम में सर्च किया जा रहा है। आप देख रहे हो 1,00,000% से भी ज़्यादा वॉल्यूम में इस कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है जिस पे आप लोग काम कर सकते हो आप लोग चाहो तो। ओके, बट यहाँ पे अगर मान के चलिए मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कीवर्ड सर्च करना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए हॉरर स्टोरी हिंदी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा तो मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड्स तो अभी नहीं मिलेंगे बिकॉज मैं अभी सस्ते वाले प्लान में हूँ। यहाँ पे मुझे 3 ही कीवर्ड देखने को मिल रहे हैं और ये जो कीवर्ड्स हैं मुझे यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेंगे, जैसे वेरी आई हाई, ये वाले कीवर्ड्स में हम लोग यहाँ पे हमें सर्च वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 1,22,000 से भी ज़्यादा इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे हर महीने। ठीक है, तो लेकिन ये वेरी हाई कॉम्पिटिशन वाला कीवर्ड है, तो यहाँ पे वेरी लो मीडियम वाले कीवर्ड्स हमें चाहिए होंगे। इसके लिए हम लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, हमें 3 ही कीवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 3 ही। ठीक है, तो बहुत टाइम हम लोग अगर होस्टिंग कॉमन्स लिख के सर्च कर रहे हैं, मान के चलिए कुछ और टॉपिक का मैं बात कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ निकल के आए कीवर्ड्स जो यहाँ पे वेरी लो शो कर रहे हैं। तो ये 2-3 कीवर्ड्स ही हमें देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कीवर्ड्स की हमें ज़रूरत होगी क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग अगर न्यू चैनल्स के ऊपर काम करेंगे तो जाके हमारे चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 कीवर्ड फ्री वाले में मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे मैं वही बताने वाला हूँ VidIQ का कूपन कोड जिससे हम लोग अपग्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपग्रेड वाले पार्ट में आओगे तो आपको देखने को 1,990 और 450 समथिंग का प्लान है। उसके बाद एक 1-on-1 कोचिंग प्लान आता है जो कि $99 का होता है पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, एक चैनल के लिए लेना है या 3 चैनल के लिए या 5 चैनल के लिए। तो गाइज यहाँ पे मैं 1 ही चैनल रिकमेंड करूँगा जैसे मैं मान के चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रो 449 वाला प्लान दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब टू प्रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग बिल कर सकते हो 449 में, लेकिन यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन आता है, इसमें आप लोग प्रोमो कोड दे सकते हो थिंक। जैसे आप लोग थिंक प्रोमो कोड दोगे तो आपको सबसे पहला वाला मंथ जो आप मान के चलिए आप पहली बार यूज़ करने वाले हो तो आपको ओनली 45 रुपीज़ में VidIQ एक महीना के लिए मिल जाएगा, ओनली 45 रुपीज़ पर। ठीक है, अगर आपको और एक कूपन कोड को यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो न्यू ट्यूवर्स। तो ये न्यू ट्यूवर्स नाम का जो कूपन कोड है, ये मैं सबसे पहले बता दूं कि ये कूपन कोड बहुत लोगों को 100% डिस्काउंट देता है और बहुत लोगों को 90%, जैसे मुझे 90% मिला है। ठीक है, तो सेम ही प्लान पर है मेरे लिए, तो 90% भी बहुत लोगों को देता है, बहुत लोगों को 100% भी देता है। तो आप लोग अगर इसको यूज़ करके एक महीना के लिए देखिए 45 रुपीज़ मात्र खर्च करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा VidIQ का। तो उसके बाद अगर आप लोग 1990 वाला प्लान में आओगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअली काफ़ी फ़ायदा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स और टाइटल सजेशंस होंगे आप लोगों के लिए, यहाँ पे AI के थ्रू टाइटल भी रिकमेंड कर देगा। तो अगर आप सब्सक्राइब टू बूस्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे वही दो कीवर्ड को यूज़ करके देखोगे तो
जैसे न्यू ट्यूवर्स है, ठीक है, इसमें देखता हूँ कि इस वाले प्लान में मुझे 100% मिलता है या 90%, तो यहाँ पे 90% ही मिल रहा है, तो 200 रुपये का ये प्लान आएगा मेरे लिए पहला वाला मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो ऐसे करके वीडियो के थ्रू। तो ये दो प्रोमो कोड था जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को और भी यूज़फुल चीज़ों के बारे में पता चले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।